अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैं हूं आपका उस्मान हैदर और हम आए हुए हैं जी गुजरात में। तो इधर एक मज़ार है शाहजहां जहांगीर का, इस साइड भी आप देखेंगे, ये देख रहे हैं पीछे। तो जहांगीर जो है वो बादशाह था, मुग़ल बादशाह था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्रें जो है वो दो जगह जो हैं वो हैं, एक कह रहे हैं कि इधर है और एक लाहौर में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इसकी क्या हकीकत है, ये आपके सामने आज रखते हैं। और शाहजहां की जो स्टोरी है, जिस तरह कहते हैं कि दो कब्रें हैं, वो भी आपके साथ जो है ना शेयर करते हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि शाहजहांगीर जो है वो अपने आखिरी वक्त में जब बीमार हुआ तो तबीब जो थे उन्होंने मशवरा दिया कि वो कश्मीर चले जाएँ, क्योंकि कश्मीर में तबीब बहुत अच्छे थे और साथ में उधर का मौसम बहुत अच्छा था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ जो है ना मशवरा किया और कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वहाँ वो वफात पा गए। तो उनकी बेगम के हमरा जब वहाँ से वापस आना था बिंबर के रास्ते, तो कहा जाता है कि उन्होंने सबको हदायत दी कि जब हम जा रहे होंगे हाथी की सवारी के साथ थे ये दोनों, तो उन्होंने कहा कि कोई भी फौजी या कोई भी बंदा जो है वो हमारे पास नहीं आएगा, सारे जो है ना वो काफ़िले के साथ चलेंगे। तो इसी तरह ही किया गया, सारे इसी तरह चलते रहे। बिंबर से जब निकले तो कहते हैं कि लाहौर तक पहुंचने में 5 दिन और 6 रातें लगी थी। और चलते चलते जब कहते हैं कि ये गुजरात के पास आए तो शाहजहां की लाश से बू आने लगे। ये मंज़र इतना अच्छा नहीं था क्योंकि डर था ये अगर खबर फैल जाती तो फ़ौज में टूट फूट पड़ सकती थी। तो कुछ लोगों को बुला के मलका ने उनसे मशवरा किया तो ये तय पाया कि यहाँ पे उनकी जो है ना आंतें पेट से निकाल के वो दफन कर दी जाएं और बाकी जो सामान है, मतलब बाकी जो बॉडी है उसको ले के लाहौर चले जाएं। तो ऐसा ही कहते हैं किया गया, आंतें वगैरह जो हैं वो निकाल के इधर ही जो है ना दफन कर दी गई और बाकी जो है बॉडी, डेड बॉडी जो थी वो लाहौर ले जाया गया। रवायत में ये आता है, लेकिन कुछ लोग जो तहकीककार हैं वो कहते हैं कि जो पहली कब्र थी जहां आंतें वगैरह निकाली गई वो ये नहीं थी, वो बिमर का एक इलाका है आज़ाद कश्मीर का जो पाकिस्तान में है, वहां पे जो है वो कब्र है और दूसरी कब्र जो है वो लाहौर में बनाई गई है। इस दरबार के बारे में बताया जाए तो कहते हैं कि ये शाहजहां जो है ना इनका लकब है ये वाला और नाम इनका कुछ और है। ये देखें जिस तरह ये शजरा मुबारक लिखा हुआ है आपके सामने है, सैयद पीर मोहम्मद इब्राहिम दाऊद बंदगी कादरी करमानी तकवी और पीर सैयद अबू माबी शाह कादरी करमानी नकवी लाहौरी। तो इसके बारे में जो यहाँ गद्दी नशीन है उसे भी आपको पूछ के शजरा मुबारक जो है इनका बताते हैं। दरबार बाबा शाह जी गुजरात के बोले पिंड बोलियां रहा ये हजरत दौद बंदगी इब्राहिम करमानी कादरी तकवी नाम इमाम की औलाद ने, यानी कि पहले खलीफा भी ने हजरत दौद बंदगी समझ मशहूर मुराफ ने असल इन्हों का ना जो सैयद मोहम्मद अनवर शाह अल मरूफ शाह जी ये गलत फहमी है लोगों ने, मतलब भाई शहनशाह की कबर है तो फलाने की कबर है, कबर बाबे शाह जहांगीर मशहूरी है सर, मतलब लकम मिलया कि गुजरात जी शाह जहांगीर की जगीर है। असल सैयद बादशाह ने वो जहांगीर बादशाह जो है वह लाहौर मकबर है पसमिया च, मतलब शहीद हो सन आए सन आर्मी के, मतलब बादशाह सन तो उन्होंने दरबार उ दूर जाने घर वाले सर। ये एवं किसी गलत फहमी ना किताब लिख के तो मतलब अच्छाया कर दी, मतलब शाह जहांगीर जड़ा शहजा बादशाह सन
इन्हों का बतालिया पिंड फैज़ का टोपा लगे है, फैज़ इन्हों का मतलब लोगों को शफा मिलती है दम कर लोग गल करा देंगे चिड़ी वाजियां तीन ऐतवार दम करी चिड़ी अपने मुकाम पर टुट जाती है, यानी कि काफ़ी दम ने सरकार के जोड़े तो शफा है लोगों ने मतलब एवं कहानी बना के चाड़ छड़ी और ऐसी गल खुल गई जी। ये जिथे मर्जी कोई तसली प्या करे मतलब अल्लाह का वली गए तो तरीखी दरबार है नहीं मतलब ये 12 महीने लगा रहेगा यानी कि 24 घंटे तो 12 महीने समझो हूँ तो चलो महकमे आ गए ना मतलब तो घट गया नहीं तो 12 महीने तो 24 घंटे लगे थे जिस टाइम भी को आया जोड़ा रोटियां का प्याला सालन मनु मिले ये मशहूर मुरुगेटा मेला ही पंजाब से कौन सी जिसका मतलब मेला सरकार ने यार तुम तो हम सब पिछे चलने बाबा जी का दरबार तकरीबन कि पुराना है ये जी 350 साल हो गए साढ़िया 3 सदियां 1100 यानी कि 11 हिजरी का जो मतलब बनया जी ये बादशाह ने हमें लोग मतलब कर दें बादशाह बादशाह असल सैयद बादशाह बजुर्गों का जो शजरा वो किस वली अल्लाह ये हजरत दाऊद बंदगी इब्राहिम करमानी काढ़े तो मतलब उजरे शाह मुकीम रोड से शायद तुम देखे हो भी होगा चेतर के मेला लगता चूड़िया फिल्म के जमात भी बखाते हैं किसी जमाने उ नूर का शोला निकलता कमाल शाह लाहौर आए जमाल शाह सरकार के छोटे भाई ने जमान शाह पिंडी वाले सरकार के व्डे भाई ने अबू माली लाहौर आए स्टेशन के कोल जो दरबार है वेख्या वो सरकार के मतलब इको पीर के मरीज भी ने हजरत दौलतमंदगी मतलब जवाई भी ने अबू माली जड़े आपस से पीर भाई ने अबू माली तो बाबा शाह जंगीर सरकार मशहूरी है शाह जंगीर तो ही लेकिन असल ना इन्हों का जोड़ा ना सैयद मोहम्मद अनवर शाह मरूफ शाह जंगीर भाई मुर्शद ने डिप्टी लाई भी जंगीर गुजरात तेरी जंगीर उतरे जा इतने जादूगर लोग रहेंगे सन पर दूला सरकार के एको बगत च सैयद पूरे मोहम्मदीपुर सरकार ने फिर कहानियाँ कोई भी प्यार कर जी। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।